इस बिलखती महिला की आंखों के आंसू सूख गए हों, लेकिन जो दर्द है वो वैसा का वैसा ही है। ये घर अब सूना दिख रहा है, लेकिन कल तक यहाँ खुशियों की किलकारी गूंज रही थी। अब यहाँ पसरा है मौत का सन्नाटा और रोते बिलखते लोगों की चीखों की आवाज। ये घर है पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली के गांव जोगीठेर का, जहाँ पति पत्नी का झगड़ा ऐसा बढ़ा कि पहले पत्नी ने मौत को गले लगा लिया और फिर पति को मौत के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक 1200 रुपए का धान लेकर आया था, क्योंकि उसे बेड़ लगानी थी। पत्नी ने गलती से अलग अलग बीज को एक साथ मिला दिया और भिगो दिया। इस बात पर पति ने पत्नी को डांट दिया, जिससे खफा पत्नी ने फांसी लगा ली। बेटी की मौत की खबर सुनते ही परिजन मौके पर पहुंचे और जिस दामाद के हाथ बेटी को सौंपा था उसे मौत की नींद सुला दिया। अचानक हुई इस घटना से पूरे गांव में सन्नाटा है। वहीं मृतक महिला के परिजनों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। मृतक का नाम सतपाल था, जो ससुराल वालों को शारीरिक और आर्थिक दोनों तरीके से मदद करता था। अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, लेकिन जिनसे उसने सुरक्षा की उम्मीद लगाई थी वही उसकी मौत के फरिश्ते निकले। मृतक महिला के परिजन पहले ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब खुद जो काली करतूत करके फरार हुए हैं उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर इतना गुस्सा किस काम का, जो रिश्तों की डोर को गुस्से की आग के हवाले कर दे। मामले में पुलिस तफ्तीश तो कर रही है, लेकिन आरोपी पकड़ से बाहर हैं और खुद को बचाने की जुगत भिड़ा रहे हैं। वहीं मृतक सतपाल के घर में मातमी कोहराम मचा हुआ है। पीलीभीत से मीडिया हलचल के लिए आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।